वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, समय और अनुभव जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, जो हमें वो सिखा जाते हैं जो शायद दूसरा कोई नहीं सिखा सकता है। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक जोहरी की असामयिक मृत्यु हो जाती है और उसके घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा होता है, जो कि उस जोहरी की मृत्यु के बाद काफी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। कुछ समय तक तो उसकी पत्नी जो भी बचा कुचा सामान होता है, बची कुची धन राशि है, उससे अपना गुजारा चला लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता है। एक दिन वो पत्नी अपने बेटे से कहती है कि ये कुछ गहने की पोटली है, एक हमारे विश्वास पात्र जो कि आपके पिताजी के रिश्तेदार भी लगते हैं, उनके पास जाओ और उनसे कहना कि इसकी जो भी कीमत बनती है आप वो मुझे धनराशि दे दीजिए ताकि हमारे काम आ सके। वो लड़का उस पोटली को लेता है और उस व्यक्ति के पास चला जाता है जो खुद भी एक जोहरी है और उससे कहता है कि आप इसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए। वो उसे अच्छे से देखता है और कहता है कि अभी सोने के भाव काफी ज्यादा गिरे हुए हैं, जब भाव आएंगे तब आप इनको बेचना, जाओ और अपनी माँ को ये वापस दे देना और उनसे कहना कि उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे घर का खर्चा चल पाए इसके लिए तुम एक काम करना, कल से मेरी दुकान पर आ जाना और मेरी यहाँ मदद कर देना। और इसी तरह वो लड़का अगले दिन से ही उसके यहाँ नौकरी करना शुरू कर देता है। काफी साल बीत जाने के बाद जोहरी एक दिन उसे अपने पास बुलाता है और उसे याद दिलाता है कि एक बार तुम मेरे पास एक पोटली लेकर आए थे, वो पोटली तुम कल वापस लेकर आना, अभी भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं तो हम उसे बेच सकते हैं। तो इस पर वो लड़का अपने घर जाता है और अपनी माँ से पोटली देने के लिए कहता है। जब माँ उसे पोटली निकाल कर देती है तो काफी वर्षों के अनुभव के बाद उस लड़के को भी सोने चांदी की परख का अंदाजा हो जाता है। तो वो पोटली खोलकर जब देखता है तो उसने जांच में पाया कि ये तो नकली जवाहरात है। लड़का काफी शर्मिंदगी महसूस करता है और सोचता है कि अब मैं अगले दिन जाकर उस जोहरी से क्या बोलूंगा। अगले दिन दुकान पर जाने पर जोहरी उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या तुम पोटली लेकर आए हो। लड़का जवाब में नजरें झुकाकर कहता है कि जब मैं पहले आपके पास लेकर आया था तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो हीरे जवाहरात नकली है। तो इस पर जोहरी ने उसे जवाब दिया, उस वक्त अगर मैं तुम्हें बता देता कि ये नकली जवाहरात है तो शायद तुम और तुम्हारी माँ ये सोच सकते थे कि जब बुरा वक्त आया है तो ये हमारा साथ नहीं देना चाहते, इसलिए हमें ऐसा बोल रहे हैं। और आज जब तुम खुद इनकी परख कर पा रहे हो तो तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आ गई है। तो इस पर लड़के को जोहरी की बात समझ में आ गई और वो उन्हें धन्यवाद कहता है इतने वर्षों तक उनको संभालने के लिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।